बट ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, आई होप आपको याद होगा, हमने पढ़ा था बेटा, वन इज कॉल्ड एज ए एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। और हमने जो डिस्कशन किया था उसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि क्या बेटा इसके दो पार्ट, मतलब फॉलोइंग पार्ट्स आते हैं। आप जानते हो ना कि बेटा आइसोलेटेड एटम कैन नॉट बी कंसिडर्ड, सो बॉन्डेड फॉर्म ऑफ द एटम कैन बी कंसिडर्ड, और बॉन्डेड फॉर्म में कंसिडर करते हो तो एटॉमिक रेडिया इज डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज, और इट कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स। बेटा ये फोर टाइप में सबसे पहला वाला था कोवालेंट रेडियस, और आप जानते हो कोवालेंट रेडियस हमने किस में देखा था बेटा, दो नॉन मेटल्स के बीच में कोवालेंट बॉन्ड बनता है, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड एज ए कोवालेंट रेडियस, राइट। तो ये जो था कोवालेंट रेडियस, इट इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाय टू। और दो डिफरेंट नॉन मेटल अगर हो तो दो डिफरेंट नॉन मेटल के लिए आपको याद है स्टेवनसन और शूमेकर अंकल का फॉर्मूला, व्हाट इज दैट, डीएबी कैसा निकाला जाता है बेटा, डीएबी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.0, लिख के दे दो। ये बेटा डीएबी अगर अलग अलग एटम के निकालने हैं तो रेडियस ऑफ एटम ए होता है प्लस रेडियस ऑफ एटम को बी को भी लेते हैं, देन माइनस ऑफ व्हाट 0.09, फिर बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी करा लो तो आपको डिस्टेंस आ जाएगा, उसका हाफ करा लो कोवेलेंट रेडियस आता है, ये वाला था। फिर इसके बाद में मैंने सेकंड वाला पॉइंट भी डिस्कस किया था आपसे, क्या था बेटा, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस मतलब सारे मेटल्स के बीच में आते हैं, तो आपने फिर देखा था मेटालिक रेडियस इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाय टू। बेटा इसमें क्या था, कोवेलेंट रेडियस में ये एटम दूसरे एटम को शेयरिंग करा के बॉन्डिंग बना लिया, और बॉन्डिंग बना के उसका आधा कर लिए तो कोवेलेंट रेडियस में आता था। मेटालिक में ऐसा नहीं है बेटा, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये बीच में मेटालिक बॉन्ड है और इसका अगर आप हाफ करते हो तो मेटालिक रेडियस। और आपको मैंने ये लिखा के दिया था, मेटालिक रेडियस इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट, क्रिस्टल रेडियस, राइट। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको सारी चीजें रिविजन इसलिए करा के दे रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो बेटा कोवेलेंट रेडियस भी आ गया, मेटालिक रेडियस भी आ गया, फिर आपको हमने मैंने बताया था कि इन दोनों में अगर आपको देखना है तो इन दोनों में किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो बोलना मेटालिक रेडियस विल बी ग्रेटर देन, क्या ये पॉसिबल नहीं है, है ना बेटा, क्योंकि मेटालिक रेडियस देखो बड़ी है, कोवेलेंट कैसे है अंदर शेयर कर गई, तो मेटालिक रेडियस की जो रेडियस होगी कोवेलेंट से हमेशा बड़ी होगी। ये अपने दो टाइप हो गए, और अब हमें जो तीसरा टाइप पढ़ने जाना है बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, वैंडरवॉल अंकल की रेडियस, कॉल्ड एज ए वैंडरवॉल रेडियस। ये अपना आज का टॉपिक है, ठीक है, वेरी गुड बेटा। मैं आज का टॉपिक लिखाने जा रहा हूँ, दैट इज अबाउट द वैंडरवॉल रेडियस। ध्यान से देखिए बेटा, वैंडरवॉल रेडियस क्या होते हैं, बेटा दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जिनके बीच में एक है ना वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। सो द मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, कुछ एटम्स होते हैं या गैसेस होते हैं, ये अपना टॉपिक नंबर 3 है, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ए, दैट विल बी कॉल्ड एज ए वैंडर वैंडर वॉल रेडियस। बेटा ये वैंडरवॉल रेडियस समझने से पहले आपको वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है पहले वो समझना पड़ेगा। मतलब क्या होता है ना, ऐसे कुछ एटम्स होते हैं, देखिए बेटा ये एक एटम है और ये भी एक एटम है, दोनों एटम है और आप जानते हो दोनों नोबल गैसेस है, और दोनों का जो डिस्टेंस है ना हमेशा सेम होगा। अभी ये घूम तो रहे हैं, अगर वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए ना तो इनका डिस्टेंस सेम होता है, क्योंकि ये वाले मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। बेटा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो हम बोलेंगे ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि बहुत वीक है, कॉल्ड एज ए वीक वैंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गॉट द पॉइंट। तो बेटा एक वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखो ये एटम की न्यूक्लिया है ए हो गया, इस एटम की न्यूक्लिया है बी हो गई,
इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, वही है ना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। भाई इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को आप आधा कर दो, आधा करने से आपको क्या देगा, वैंडर वॉल वी डब्ल्यू आर, वैंडर वॉल रेडियस दे देगा। मतलब इसको कैसे लिखोगे बेटा, दोस एटम, मतलब कुछ नोबल गैसेस जानते हो, नोबल गैसेस बेटा दे आर द मोनो एटॉमिक, दोस एटम विच आर नॉट बॉन्डेड विद ईच अदर, दोस एटम्स लाइक नोबल गैसेस विच आर नॉट बॉन्डेड विथ ईच अदर, बेटा दोस एटम लाइक नोबल गैसेस विच आर नॉट बॉन्डेड टू ईच अदर। मतलब देखो बेटा, क्या इन दोनों एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड है, हम बोलेंगे नहीं है, बट एक्सपीरियंस से ए वीक वैंडर वॉल्स डब्ल्यू ए वीक वैंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सच में ना बेटा, ऐसे एटम्स जिनके बीच में बॉन्ड तो नहीं है, बट वीक वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट, तो विच विल एक्सपीरियंस ए वीक वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसे इसमें आपने क्या बोलना है बेटा, ये जो न्यूक्लियर बिटवीन द टू एटम्स होता है ना, दैट विल बी कॉल्ड एज ए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो उसको भी क्या करना बेटा, आप फिर से ये पॉइंट भी जोड़ देना, हाफ ऑफ दी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ दी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना बिटवीन, मतलब ये जो गैस है ना, ये कैसे होना चाहिए बेटा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर एडजेसेंटली प्लेस्ड एटम इन ए सॉलिड स्टेट ऑफ नोबल गैसेस, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ ऑफ नोबल गैसेस। बेटा ये गैस आपका किस स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में, नहीं तो क्या हो जाएगा, हीलियम गैस, हीलियम गैस, आपको लगेगा दोनों गैस घूम रहे हैं, और दोनों का आप वैल्यू ले लोगे आधा करके वैंडरवॉल रेडियस बोलेंगे, ना ना ना, हीलियम गैस होगा लेकिन वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, नोबल गैसेस होगा वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में होगा तो वो उनके बीच में वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और उस वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो वैल्यू होगी डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर उसका आधा करा लो, वो आपका आ जाएगा वैंडरवॉल रेडियस। सो हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ नोबल गैसेस, राइट बेटा, दैट इज इन द सॉलिड स्टेट है ना, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ नोबल गैसेस विच आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, बेटा विच आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय वीक वैंडर वॉल, बाय वीक वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द नोबल गैसेस विच आर इन सॉलिड स्टेट एंड विच आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय वीक वैन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिव्स, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिस गिव्स बेटा वैंडर वॉल रेडियस, व्हाट दे गिव्स बेटा, वैंडर वॉल रेडियस। इसका एग्जांपल देखो भाई, ये मेरे पास एक हीलियम का गैस है, ये दूसरा वाला नियॉन का गैस है, हीलियम हीलियम क्यों ले रहे हो, नियॉन लो थोड़ा बड़ा रहेगा, इनके बीच में क्या है बेटा, आपको वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब दोनों चिपके भी नहीं दूर भी नहीं गए। अब यहां से यहाँ का आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, दैट इज ए एंड बी, तो मैं लिखू डिस्टेंस ऑफ ए बी इज कॉल्ड एज ए वॉट, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। हाँ बेटा ये क्या हो गया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर आप आधा करते हो तो वो क्या होगा, उसका वैंडर वॉल रेडियस होगा। तो मैं ऐसे लिखू भाई, वैंडर वॉल रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मतलब ये तीन स्टेटमेंट से आपको एक चीज तो समझ में आ गई, क्या बेटा, तीन चीजों से एक चीज समझ में आ गई कि वैंडर वॉल रेडियस सबसे ज्यादा और बड़ा होता है। देखो ये वैल्यू आपको बाहर आ रही है ना भाई, ये वैल्यू आपको बाहर आ रही है, इट विल बी ग्रेटर देन व्हाट, मेटालिक रेडियस,
एंड मेटालिक रेडियस विल बी ग्रेटर देन व्हाट, तो आपने बोलना कोवालेंट रेडियस। हमेशा याद रखो बेटा, कोवालेंट रेडियस की वैल्यू हमेशा वैंडरवॉल से छोटी होती है। वैंडरवॉल रेडियस कहाँ देखा जाता है, तो बोलना इट विल बी सीन इन द नोबल गैसेस और इट विल बी सीन इन एनी अदर गैस विच इज इन द सॉलिड स्टेट। एनी डाउट बेटा? चलो बना लो, यहां तक बना लो। अब देखिए फोर्थ वाली टाइप जो आएंगी बेटा आपकी, अब तक हमने तीन टाइप देख लिए, कौन सा, कोवालेंट, मेटालिक एंड वैंडरवाल, और तीनों को हमने आयनाइज ये भी कर लिया। कैसे? एक ऑर्डर में, वैंडरवाल रेडियस की जो साइज होती है सबसे बड़ी है और कोवालेंट की सबसे छोटी है, और मेटालिक बेटा ना तो वैंडरवाल से बड़ी और ना तो कोवालेंट से छोटी, इट इज इन बिटवीन वैंडरवाल एंड कोवालेंट। क्या अपना आयनिक रेडियस की, अमी मेटालिक रेडियस की बात कर रहे हैं बेटा। अब जो टॉपिक चालू होगा दैट इज द फोर्थ वन, कॉल्ड एज ए आयनिक रेडियस। बेटा इसको भी थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर भी हमें थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर व्हाट इज द आयनिक रेडियस? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बेटा, ये मेरा एक न्यूट्रल गैसेस एटम है, मतलब ये एटम कैसा है, न्यूट्रल है, मतलब एक सिंगल एटम है जिसपे पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। अब क्या कर दिया इसने, कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कुछ मतलब मुझे नंबर तो नहीं मालूम, मैं एन लिखता हूँ। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सर उतनी उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो बेटा ये आपका एटम तो न्यूट्रल था, अभी इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो व्हाट वी कैन कॉल इट एज ए कैटायन, राइट? यहाँ देखिए बेटा ये मेरा न्यूट्रल गैसेस एटम है, ये कैसा है, न्यूट्रल गैसेस एटम, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सर पे उतने नेगेटिव चार्ज लेके घूमेगा। बेटा जितनी नेगेटिव चार्ज, मतलब एटम के सर पे नेगेटिव चार्ज, देन इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए एनायन, पॉजिटिव चार्ज इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए कैटायन। आप जानते हो बेटा मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आयनिक रेडियस, मैं बात एक्चुअली आयनिक की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बेटा कैटायनिक और एनायनिक की साइज की बात कर रहा हूँ, राइट? मतलब जो भी आयंस होते हैं या तो प्लस वाले, देखिए बेटा कॉल्ड एज ए कैटायन, या तो माइनस वाले कॉल्ड एज ए एनायन। जो भी आपके आयंस होंगे कैसे होंगे, या तो कैटायन हो गए या तो एनायन हो गए। अब इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इसको। सर ये मेरा न्यूट्रल एटम था, ये न्यूक्लियस है भाई, ये उसके शेल्स है, दिख रहे आपको, ये न्यूक्लियस है, ऐसा चलेंगे न्यूक्लियस पॉजिटिव वाला, और ये उसका एक शेल है बेटा फर्स्ट वाला, ये दूसरा वाला शेल है, अच्छी बात है, राइट? ये एक तीसरा वाला शेल है। अब मैं बता रहा हूं कि ये मेरा न्यूट्रल गैसेस एटम है और इसके यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी है, यहां भी है। अब इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये बाहर वाला ही लूज करेगा ना, तो सर उसने लूज कर दिया। बेटा लूज करने से क्या हो गया, देखिए ये न्यूक्लियस तो वैसे ही रहा, ये वाला ऐसा पड़ गया और ये दूसरा वाला ये ऐसा आ गया, राइट? ये आपको इसकी ऑर्बिट्स आई मीन ऐसे दिख के ये आगे दो, तो बेटा यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है। बेटा यहां से ये तो चले गया ना, ये चले गया, इसीलिए मैं यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ लिखता हूँ। अब मैं बोलूंगा ये आपका एम था, तो ये अभी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जाने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गई, तो बेटा एक पॉजिटिव चार्ज हो गई। मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है, तो आप बोलना सर दिस इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रल एटम, और ये क्या है बेटा, तो आप बोलना दिस इज कॉल्ड एज ए एटम बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज, कॉल्ड एज ए कैटायन। तो अब मैं आपसे पूछूंगा दोनों में, न्यूट्रल में और कैटायन में किसकी साइज छोटी है, तो आपने बोलना कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन द पैरेंट एटम और द न्यूट्रल एटम।
इससे ये बनाना कैसे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो साइज देखो उसका, जो बाहर का जो शेल था वो खत्म हो गया, शेल खत्म हो गया तो साइज छोटी हो गई। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा बेटा, जब भी आप न्यूट्रल या कैटायन, मतलब न्यूट्रल एटम को मैं पैरेंट एटम भी बोल सकता हूँ, न्यूट्रल एटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पैरेंट एटम और कैटायन। तो जब भी मैं इस न्यूट्रल एटम की बात करूं बेटा, जब भी मैं इस न्यूट्रल एटम और कैटायन की बात करूं, साइज ऑफ द एटम एंड आयन में हमेशा न्यूट्रल की साइज कैटायन से बढ़के रहती है। बोलो बेटा, किसी को डाउट है इसमें? क्योंकि न्यूट्रल ऐसा था, आप कैटायन बनाने के लिए वैलेंस में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन निकाले तो साइज ऐसे ऐसे कम हो गई। साइज का कम होना मतलब कैटायन की साइज स्मॉलर देन दैट द न्यूट्रल एटम है, इज इट क्लियर? लेकिन आप इनकी बात कीजिए बेटा, इसके लिए किसके लिए, एनायन की बात कीजिए। अब एनायन में क्या हो गया, ये न्यूक्लियस था, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। हाँ भाई, एक काम करेंगे इसको अच्छे से बनाएंगे। देखो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट था, ये सेकंड ऑर्बिट है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, ये आपका एक न्यूट्रल गैसेस एटम है। आपने कुछ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो ये तो न्यूक्लियस होगा, ये पहली वाले इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट, ये दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट। अब एक इलेक्ट्रॉन डालने से यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड बनना शुरू हो गया। क्या शुरू हुआ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन कभी भी क्लाउड के फॉर्म में आता है। तो पहले दो था, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, थोड़ी साइज बढ़ गई, तो हम क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एक नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड इट इज कॉल्ड एज ए एनायन, एंड इट इज कॉल्ड एज ए पैरेंट एटम, और इट इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रल एटम। और फिर आपसे पूछा जाएगा बेटा, पैरेंट एटम और न्यूट्रल एटम में अब साइज किसकी बड़ी है, क्या एनायन की बड़ी है देन न्यूट्रल की, न्यूट्रल की बड़ी है देन एनायन। तो अब इसमें आपने बोलना, सर अब हमारे न्यूट्रल एटम की साइज एनायन से छोटी हो गई, क्योंकि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ना शुरू हो जाता है। क्लाउड का बढ़ना मतलब साइज का बढ़ना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हो, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम होना शुरू हो जाता है, क्लाउड का कम होना मतलब साइज कम हो जाती है। देख लो बेटा एक बार मैंने जो पढ़ाया, क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया? इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज यू कैन आस्क टू मी। देख लो एक बार बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट इज ए अबाउट द साइज ऑफ द कैटायन, अबाउट द साइज ऑफ द एनायन और अबाउट द साइज ऑफ द न्यूट्रल एटम। तो ये मैंने कुछ छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहा, एंड आई डिड इट। अब इसमें एक चीज आप समझो बेटा, कभी भी हमेशा हमेशा जो पैरेंट एटम आपका होता है, जो भी होगा पैरेंट एटम, जिसको आप क्या कहते हो, दैट मस्ट बी कॉल्ड एज ए न्यूट्रल एटम। बेटा हमेशा न्यूट्रल एटम की साइज आपके आपके कैटायन से बड़ी होती है, हमेशा, इट्स एवरी टाइम। न्यूट्रल एटम की साइज पैरेंट से, अपनी न्यूट्रल एटम की साइज आपके कैटायन से बड़ी होती है, और आपका जो साइज ऑफ एनायन होता है उसकी साइज पैरेंट और कैटायन से बड़ी होती है। इट इज द रेडियस ऑफ आयंस कॉल्ड एज ए आयनिक रेडियस। सो अभी इतना बताने के लिए आपने ये सब क्यों किया? तो देखो बेटा मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वो एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। पहला एग्जाम्पल मैं कैटायन के दूंगा और बाद में मैं एग्जाम्पल आपको एनायन के दूंगा। चे पहला वाला भाई, ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन का प्लस है, और मैं पूछूं बेटा एच और एच प्लस में किसकी साइज बड़ी है, तो आपको मालूम है इसके सर पे चार्ज नहीं है तो पैरेंट, इसके सर पे चार्ज है तो कैटायन। क्या न्यूट्रल की साइज हमेशा इससे बड़ी है? वेरी गुड सर। बेटा एक दूसरा ले लेंगे अपन, और एक अच्छा वाला भाई, ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम का +1 है, ये एल्यूमिनियम का +2 है, ये एल्यूमिनियम का +3 है, और हमसे पूछा भाई इन चारों की साइज बताइए। सुनो अच्छे से सुनो, ये पॉइंट है बेटा, जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया। एक्चुअल साइज ऐसी थी, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया करीब आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया करीब आया। बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सर पे क्या लेके घूमेगा, पॉजिटिव चार्ज लेके घूमेगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी पॉजिटिव चार्ज, जितनी पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी साइज, साइज साइज साइज। तो ये आपका न्यूट्रल एटम की साइज इससे बड़ी, बेटा इसकी साइज इससे बड़ी, इसकी साइज इससे बड़ी। मतलब इसमें से आपको एक चीज समझ में आ रहा क्या सर,
जैसे जैसे चार्ज ऑन कैटायन बढ़ते जाएगा, बेटा ये कैटायन है ना, और कैटायन के सर पे कितनी चार्ज, एक, इसमें कितनी चार्ज, दो, इसमें कितनी चार्ज, तीन, जैसे जैसे कैटायन के चार्ज बढ़ती जाएंगी उसकी साइज कम होती जाएंगी, खत्म, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना बेटा। देखो पेरेंट की साइज कैटायन से बढ़ के है, वेरी गुड भाई, एक से ज्यादा कैटायन आ गए तो क्या करना, जितनी चार्ज कैटायन पे हो उतनी कम उसकी साइज होगी, जितनी चार्ज कैटायन पे है उतनी कम उसकी साइज। सर एक काम करो ना सर, ये दोनों की बात करो, Mn का 2+ है भाई और ये Mn का +5 है, ये कितना है बेटा, Mn का +2 है और ये Mn का +5 है, और मुझसे पूछा गया इन दोनों की साइज बताइए, तो आपको दिख ही रहा है Mn Mn तो सेम है, उसपे चार्ज कितनी ज्यादा, इस पे कितनी कम, जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, दिख रहा है, उतनी उसकी कम साइज होगी, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी छोटी साइज होगी, इसकी साइज बड़ी, इसकी साइज छोटी, कोई डाउट बेटा, ये था अपना कंसेप्ट ऑन द चार्ज। लेकिन चार्ज के साथ में आप थोड़ा सा ये भी सीखो बेटा कि कभी कभी है ना एनायन की भी बात करेगा, ये तो मैंने कैटायन की बात किया, अब एनायन की बात करेंगे, एनायन देखिए, अब एग्जाम्पल नंबर वन बेटा, ये ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन का 2-, बेटा एग्जाम्पल नंबर टू ये नाइट्रोजन एटम और नाइट्रोजन का 3-। हमसे पूछा गया सर इन दोनों की साइज बताइए, अब आप तो समझ गए ये पेरेंट है और ये एनायन है, एनायन पे नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन आके उस पर बैठ रहे हैं, पहला बैठ गया फिर दूसरा फिर तीसरा, करते करते साइज बढ़ती जा रही है, तो जितनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा उसकी साइज, मतलब मैं ऐसे लिखूं सर, चार्ज ऑन एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, भाई यही तो जादू है, कैसे, जितनी ज्यादा चार्ज कैटायन पे हो उतनी कम साइज, जितनी चार्ज एनायन पे हो उतनी ज्यादा साइज, ये हो गया। अब मुझसे पूछा गया सर ये ऑक्सीजन का -, ऑक्सीजन का 2- और ऑक्सीजन का 3-, और इन तीनों की साइज पूछा गया, जितनी ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा साइज, एनी डाउट, तो ये था बेटा चार्ज ऑन दी कैटायन, ये था चार्ज ऑन द एनायन, चार्ज ऑन द एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, चार्ज ऑन द कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, लेकिन आपका एनायन और कैटायन में सबसे बड़ी साइज एनायन की है, बाद में छोटी पेरेंट की है और सबसे छोटी अपने कैटायन की है, राइट बेटा, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिए, ले लिए, चलो अब एक काम करेंगे, आपको मैंने अभी जो पढ़ाया क्या क्या पढ़ाया देखो, ये साइज ऑफ एनायन में मतलब एनायनिक साइज में, एनायनिक रेडियस में क्या क्या पढ़े हमने, तो देखो बेटा एक छोटा सा समरी दे रहा हूं मैं, जो जो पढ़े वो लिखेंगे और जो जो लिखेंगे उसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कैसे करेंगे वो भी करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट पार्ट आल्सो। देखो बेटा यहाँ पे अब आयनिक साइज में आपने क्या सीखा है कि बेटा अगर एनायन हो तो साइज ऑफ एनायन विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ साइज ऑफ न्यूट्रल एटम व्हिच विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ साइज ऑफ द कैटायन, एक्चुअली ये थी ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज, ये ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज है बेटा जो मैंने अभी आपको बताया है और आपको यही समझा के भी दिया है, लेकिन फिर हमने ये भी सीखा, क्या सीखा बेटा, चार्ज ऑन कैटायन जितनी ज्यादा होगी उसकी साइज ऑफ द कैटायन उतनी कम होगी, फिर हमने ये भी सीखा कि बेटा चार्ज ऑन एनायन जितनी ज्यादा होगी उस एनायन की साइज भी उतनी ज्यादा होगी, ग्रेटर द चार्ज ऑन द एनायन ग्रेटर द साइज ऑफ द एनायन, लेकिन सर अगर ऐसा हो जाए इफ इफ चार्ज ऑन कैटायन इज सेम, ऐसा नहीं हो सकता क्या, नहीं हो सकता, देखो इसका एग्जांपल ऐसे करेंगे, चार्ज ऑन कैटायन ना बेटा, इसका एग्जांपल ऐसा करेंगे कैसे 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 भाई, Mn का +, फिर Mn का +2, फिर Mn का +4, फिर Mn का +5, तो देखो बेटा एटम तो एक ही है आपके, लेकिन चार्ज उस पर बढ़ती जा रही है,
जितनी ज्यादा चार्ज उतनी छोटी साइज, ये तो अभी भी हमने पढ़ा है यहाँ पे बेटा। इसका भी एग्जांपल देखो, अभी अभी देखो, इफ चार्ज ऑन कैटायन इज सेम पूछ लिया, जैसे कि अरे सर लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, और सबकी देखो बेटा चार्ज तो सेम है। अब चार्ज सेम है तो आपको इनकी साइज कैसे डिसाइड करना है भाई? आपको भी मालूम है लिथियम टू सोडियम, सोडियम टू पोटेशियम, पोटेशियम टू रुबिडियम, एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज आयनिक साइज बढ़ती है। आप जानते हो ना लिथियम सेकंड पीरियड से आ रहा है, रुबिडियम बेटा आपका दैट इज फिफ्थ पीरियड से आ रहा है, तो जो पीरियड से आएगा उसकी साइज उतनी बड़ी होगी, क्योंकि हमने एटॉमिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में यही तो पढ़े, एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ये वाला कांसेप्ट था बेटा। चार्ज ऑन एनियन वाला एग्जांपल देखिए, अभी भी देखे ना, ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव, ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव, राइट। नाइट्रोजन ले लो बेटा, ऑक्सीजन से अच्छा नाइट्रोजन, बेटा ये नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव, नाइट्रोजन पे दो नेगेटिव और नाइट्रोजन पे तीन नेगेटिव, और हमसे साइज पूछा, तो बेटा जितनी ज्यादा चार्ज होगी उतनी उसकी बड़ी साइज होगी। इज इट क्लियर? अब ये तीन कंसेप्ट होने के बाद हमको एक नया कंसेप्ट सीखना था, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। बेटा ये सीरीज मतलब, आइसो का मतलब क्या होता है सुनो, आइसो का मतलब होगा सेम, बेटा इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, तो आपने बोलना सीरीज हैविंग हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा जिस सीरीज के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है दैट विल बी कॉल्ड एज ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। चलो इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये इतना भी इजी नहीं है जितना इजी आपको लग रहा है, क्योंकि आपको कुछ बेसिक्स आने होना। क्या देखो मैं बोलूंगा बेटा एक्स इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, एक्स क्या है अपना सिंबल ऑफ एलिमेंट है, वेरी गुड बेटा। उसके नीचे जो लोअर सबस्क्रिप्ट में जेड लिखते हैं ना दैट इज कॉल्ड एज ए व्हाट एटॉमिक नंबर, दैट इज कॉल्ड एज ए व्हाट एटॉमिक नंबर। बेटा उसके ऊपर में ए जो लिखते हैं ना ए इज कॉल्ड एज ए व्हाट मास नंबर। और ये एटम आपका एक्स कैसा है, क्या बेटा सर पे कोई चार्ज लेके घूम रहा है? तो बोलना नहीं, तो आपका ये एक्स एटम कैसा है, न्यूट्रल एटम है। तो बेटा हमेशा याद रखो कैसे, अगर आपके पास न्यूट्रल एटम है तो उस न्यूट्रल एटम में जो उसकी जेड की वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, क्योंकि एटम कैसा है न्यूट्रल है ना, तो जितनी जेड की वैल्यू उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, गॉट द पॉइंट। और आपको न्यूट्रॉन्स जब निकालना है मास नंबर माइनस जेड करा लो, तो दिस एन इंडिकेट दैट मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन इट। ठीक है बेटा, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड वाला कंसेप्ट है, एन क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज इक्वल टू ए माइनस जेड, ए इज द मास नंबर एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर, राइट। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं आपको यहां से फिर पढ़ा दूंगा, बिकॉज आई होप मैंने आपको यहां तक तो करा दिया कैटायनिक और एनायनिक साइज, और आपके न्यूट्रल पैरेंट एटम में देखो तो एनायन की साइज बहुत बड़ी होगी देन द न्यूट्रल देन दैट ऑफ द कैटायन। तो इसके साथ में अब हमको ये भी पढ़ना है कि व्हाट इज ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। बेटा आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सीरीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, और ये तो जस्ट मैंने अभी एक आपको ये दिखा दिया कि ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन है, पर इसमें बहुत काम करना पड़ेगा तब जाके हमको समझ में आएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या होती है। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बट नाउ आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज व्हाट इज मीन दैट द सीरीज, ऐसी सीरीज हो व्हिच इज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये समझने के लिए मैंने एक छोटा सा आपको ये सिंबल दिया, सिंबल न्यूट्रल है, एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, और जो न्यूट्रल एटम होते हैं ना जो जेड की वैल्यू हो उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐसे निकलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको डिटेल में करेंगे, क्योंकि जानता हूं बेटा कि ये डिटेल में जब करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी, अदरवाइज थोड़ा सा मन में अटका रहेगा सर ये भी नहीं समझ में आया वो भी नहीं आया, तो मैं चाहूंगा ऐसा कुछ भी आपको ना हो। अब इसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे, डिटेल इन द सेंस
इतना डिटेल कि केमिस्ट्री भी आपको समझ में आ जाएंगी कि केमिस्ट्री ऐसी होती है, राइट। ये आपको वैसे भी आता होगा, है ना, फिर भी एक बार मेरी तरफ से भी सीख लो कि सर ये आप ऐसा भी पढ़ा सकते हैं करके। देखिए बेटा, एक एटम होता है दैट इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रल एटम। ये आप लोग जानते हो कि ये बीच में एक न्यूक्लियस है, ये बाहर उसके ऑर्बिट्स और शेल्स होते हैं, उसमें कुछ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप बोलोगे ये नेगेटिव वाला चार्ज क्या है, तो बोलना इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव वाला चार्ज क्या है, तो आपने बोलना न्यूक्लियस। सर ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर में एक पॉजिटिवली चार्ज, बेटा इस न्यूक्लियस के अंदर में एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन रहता है, और उसमें एक न्यूट्रल न्यूट्रल चार्ज एक न्यूट्रॉन रहता है। मतलब आपको मालूम ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर में है, न्यूक्लियस के अंदर में है। किसके अंदर में बेटा, न्यूक्लियस के अंदर में। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दिस प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। बस इतनी चीज समझ जाओ। अब मैं फिर आपसे पूछूंगा भाई एटम में कितने पार्टिकल है, तो आप बोलना सर एटम को तोड़ोगे तो बहुत से पार्टिकल निकलते हैं, उसमें से एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, और एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है, और एक न्यूट्रल वाला चार्ज न्यूट्रॉन होता है। अब बाकी और है, मीजोन, एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, अब उसका काम नहीं है, जितना काम है वो लेके चलेंगे। तो एक एटम के अंदर में ये पार्टिकल्स हैं। तो बेटा ये पार्टिकल्स एटम के अंदर में, इसको फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। छोड़ो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। अब मैं आपसे पूछूंगा भाई इस एटम में न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं, तो आपने बोलना ये दोनों के दोनों पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर में रहते हैं। कौन सा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेटा ये जो पार्टिकल है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर में, टुगेदर इट इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियॉन्स। इसमें पढ़ लोगे, छोड़ो। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई, तो आप बोलना इलेक्ट्रॉन्स आर आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। भाई ये न्यूक्लियस के बाहर है और ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर है, पक्का? ये कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट है। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट से सुधीर सर आपको एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं। सवाल क्या है सुनो, सवाल क्या है सुनो। एक काम करेंगे बेटा, अभी सवाल दे देंगे तो बच्चे और परेशान हो जाएंगे। तो मुझे इतना पूछना है, एटम के अंदर में हमने कितने पार्टिकल्स पढ़े बेटा? तीन। कौन से? नेगेटिवली चार्ज प्रोटॉन। बोलो बेटा मेरे साथ, एटम कंटेन थ्री फंडामेंटल पार्टिकल। बोलो, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। जोर से बोलो, मुझे आवाज आना चाहिए। हाँ, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, एंड न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन। न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन, तीन तीन पार्टिकल है बेटा। तीनों में अंदर कौन, बाहर कौन? तो न्यूक्लियस के अंदर में ये दोनों साहब है। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि उनके पेरेंट बोलते हैं आप लोग छोटे बच्चे हो, बाहर मत जाओ, बाहर गए तो शेर खा लेगा। तो दोनों के दोनों घर के अंदर चिपके बैठे हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है इलेक्ट्रॉन, बोलता नहीं, मैं बाहर घूम गया था, और ये घर से बाहर घूमने चले गया। तो घर के बाहर कौन? इलेक्ट्रॉन। घर के अंदर कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पक्का? पक्का। अब सोचो आप, घर के अंदर कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। घर से बाहर कौन? इलेक्ट्रॉन। बेटा अगर शेर खाएगा तो किसको खाएगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन को खाएगा कि इलेक्ट्रॉन को खाएगा? यस, मतलब अगर अगर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, आएगा तो इलेक्ट्रॉन। ये अंदर में जो बैठे उनमें कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं। अब देखो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। वेरी गुड, वेरी गुड, फटाफट ले लो, फटाफट, वेरी गुड। अब देखो, अब सुधीर सर ने यही तो बताया था कि एटम अगर न्यूट्रल है, एटम कैसा है? न्यूट्रल। बेटा न्यूट्रल का मतलब सर पे प्लस भी नहीं और सर पे माइनस भी नहीं। तो मैं कर दूं ये एग्जांपल लेके, एक्स इज द न्यूट्रल एटम, मतलब सर पे प्लस भी नहीं है और माइनस भी नहीं है, और इसकी लोअर सबस्क्रिप्ट जेड और ए आपकी मास नंबर। तो मैं लिख दूं एक्स इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। एक्स क्या है बेटा? सिंबल ऑफ एलिमेंट। जेड क्या है? जेड है एटॉमिक नंबर। बेटा ए क्या है? मास नंबर। बेटा ए मतलब क्या होता है मालूम?
मास नंबर जो भी है, अगर आपका न्यूट्रल एटम है ना, अगर कोई भी आपका न्यूट्रल एटम होता तो बेटा उस न्यूट्रल एटम पे अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आपने बोलना भाई जेड की वैल्यू जितनी है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो जितनी जेड की वैल्यू उतने प्रोटॉन्स है। आपसे पूछा जाएगा भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको आप एन की वैल्यू में डिनोट करते हो, पी प्लस मतलब प्रोटॉन ना बेटा, ई माइनस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितनी है, जितनी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर लो, ये आ गया। अब इसमें से एग्जाम्पल करके देखेंगे आप, अच्छी बात है। कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, ऐसे करेंगे थोड़ा ज्यादा करेंगे भाई। अब देखो ये मेरे पास कुछ स्पेसीज रखे हुए हैं, कैसे वाले, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12, फिर कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 14, हाँ बेटा बन सकता है ना। नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 ऊपर में 14, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 ऊपर में 16 ले सकते हैं, आइसोटोप्स है। तो ये स्पेसीज है भाई, ध्यान से देखिए। अब इस बेसिस में मैं आपसे एक एक सवाल पूछो, आप लोग मुझे आंसर देते जाना। ये स्पेसिस थे, अच्छी बात है बेटा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, और बेटा इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने। तो इलेक्ट्रॉन सर ने क्या बोला, सर क्या इसके सर पे कोई चार्ज है, आपने बोला नहीं बेटा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, मतलब ये सारे आपके एटम कैसे हैं। अरे सर ये सारे के सारे अपने दोस्त है, न्यूट्रल एटम है। अब इसकी एटॉमिक नंबर कितनी, 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6। इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा, 6, तो प्रोटॉन्स भी कितने, 6। न्यूट्रॉन्स कितने भाई, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करा लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। चलो बेटा ये आप लोग ट्राई करो, इसकी एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6, तो प्रोटॉन्स कितने, 6, तो न्यूट्रॉन्स कितने बेटा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करा लो, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर 7, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 7। इलेक्ट्रॉन्स बेटा ये न्यूक्लियस से बाहर है, ये न्यूक्लियस के अंदर है, 14 माइनस 7 करा लो, आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 7 आ गए। यहाँ एटॉमिक नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, बाय न्यूट्रॉन, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करा लो, 7 और 3 10, 6 और 3 9, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आपको समझ में आ रहा, मतलब ये जो स्पेसीज थे बेटा, इस स्पेसीज में एक सारे न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते, जो जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू 6 है ना भाई, जितनी जेड की वैल्यू है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। क्या समझ में आया बेटा, ये देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलो बेटा ये न्यूट्रल वाला और एक बार करेंगे, क्योंकि है ना डाउट्स कभी किसी को आना नहीं चाहिए इसमें। ये जितना क्लियर टेबल होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, केमिस्ट्री उतनी आसान होती जाएगी। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं ना बेटा, लोअर क्लासेस में क्या पढ़े थे हमने, हमने ये पढ़े थे कि जब भी कोई एटम रिएक्शन में इन्वॉल्व करता है तो उस एटम का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, या तो लूज करेगा या तो गेन। अंदर में जो बैठे हुए पार्टिकल्स है ना अपने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनमें फर्क नहीं पड़ता केमिकल रिएक्शन में। इसीलिए तो मैंने ये लिख के दिया बेटा, न्यूट्रल एटम में जितनी जेड की वैल्यू हो उतने इलेक्ट्रॉन, जो जेड की वैल्यू हो उतने प्रोटॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए ए माइनस जेड करते हैं, ऊपर की वैल्यू ए है और नीचे की वैल्यू जेड है। चलो और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करके देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट बेटा। ये स्पीसीज होगी, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, और उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। अब आपको करना क्या है, जस्ट आई विल राइट द टेबल, एसेस आप लोग मुझे बता के भेजना है, राइट। जस्ट मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, आप लोग कीजिए, और जो बच्चों को नहीं आता है प्लीज आप मुझे एक बार देख लो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू टू सॉल्व एवरीवन। अब मुझे दे दिया भाई ये हाइड्रोजन, उसकी भी एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, राइट, न्यूट्रल ही है बेटा, चार्ज नहीं रखा मैंने, न्यूट्रल ही रखा। अब ये कर दिया ऑक्सीजन, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16, फिर मैंने कर दिया पोटेशियम, हाँ बेटा उसकी एटॉमिक नंबर 19, और यहाँ ऊपर में 40 डाल दिया। फिर ये कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 20, इसकी मास नंबर 40,
कुछ भी कर सकते हैं ना भाई हम लोग। ये क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 और इसकी मास नंबर 37। और अब मुझसे पूछा गया, सर क्या आप इन इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वैल्यू डाल सकते हो? तो मैंने बोला डेफिनेटली, मेरे पहले मेरे स्टूडेंट ही इसको भर देंगे, कर देंगे ना, चलो कर दो बेटा, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर यू, 2 मिनट में कर दो, मैं आपके लिए 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, खत्म कर दो। वेरी गुड बेटा, जिस तरह से आप लोगों ने रेस्पॉन्स दिया है बहुत अच्छा है। अब इसको भी देखिए आप, ये तो आपका एटम न्यूट्रल है बेटा, ये नीचे की वैल्यू एटॉमिक नंबर होती है, जितनी एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, जितनी एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, जितनी एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितनी एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितनी एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यही था ना। अब आपको क्या कर रहे हैं, एन बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस जेड, 0 भाई, ए है जेड ये है। देखो ऊपर का नंबर ए होता है, नीचे वाले का जेड होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 0। सर यहाँ पर 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, यहाँ पर 40 माइनस 19 कितना आ रहा बेटा, 21, नहीं 9 और 1 10 0 2 3 4, यहाँ पर सर दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 न्यूट्रॉन्स, बेटा यहाँ पर 37 माइनस 17 इक्वल टू 20। ये है पूरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन निकालने का तरीका, कहाँ से, फ्रॉम द न्यूट्रल एटम, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो, अब ये है जो टॉपिक हमने किया था बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ए साइज, ये सब न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से चले थे। अब देखो आपको मैंने कैटायन पढ़ाया, आपको मैंने एनायन पढ़ाया, अब देखो बेटा कैटायन कैसे बनता है, एनायन कैसे बनता है हमने जाना है। तो एक बात याद रखना, कभी भी एक बात याद रखना बेटा, ये है आपका मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज यूज टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये किसके लिए था, तो ये था बेटा अपने न्यूट्रल एटम्स के लिए था, किसके लिए था, ये न्यूट्रल एटम्स के लिए था। लेकिन जब सर आप कैटायन की बात करोगे तो बेटा कैटायन मतलब उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज होगी कि नहीं होगी, यस सर, कैटायन मतलब उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज होगी। बेटा पॉजिटिव चार्ज कब आई, इलेक्ट्रॉन लूज करने से या गेन करने से, सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लूज करने से। अब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, बट उसके जो दोनों छोटे छोटे भाई थे उनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो तो घर के अंदर बैठे थे ना, उनमें कुछ फर्क पड़ा ना सर। कैटायन में क्या कहते हैं बेटा, याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जो उसकी एटॉमिक नंबर रहेगी, याद रहेगा, जो उसकी एटॉमिक नंबर रहेगी माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्या बेटा, जेड माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दो पॉजिटिव चार्ज है जेड माइनस टू, तीन पॉजिटिव चार्ज है जेड माइनस थ्री, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए सर इसके। तो भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एन, क्योंकि ये घर के अंदर बैठा है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन हो गए, क्योंकि प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियस के अंदर है, जो भी चेंज होगा न्यूक्लियस के बाहर होता है, ऐसे है ना, ये आपका न्यूक्लियस है, अब ये शेल्स है भाई, इलेक्ट्रॉन गया तो यहां से, आया तो यहां, जाएगा तो यहां, आएगा तो यहां, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, नथिंग विल हैपन टू ऑन दिस वन, द पार्टिकल केप्ट ऑन द न्यूक्लियस। अभी कैटायन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हो, जेड माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वही आएगा, और बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे देखे जाते हैं, दैट इज इक्वल टू ए माइनस जेड। सर क्या इसका एक दो एग्जाम्पल करके देखेंगे भाई, एक दो से क्या करेंगे, बहुत करेंगे एग्जाम्पल, आप डरना नहीं। देखो कैसे है, ये सोडियम है, इसकी एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, और इसके सर पे एक पॉजिटिव चार्ज लेके घूम रहा है। अब मुझसे पूछा गया सर इलेक्ट्रॉन कितने, तो मुझे मालूम है जो जेड है उसकी वो लगा दो, कितनी पॉजिटिव चार्ज है, एक है तो -1 कर दो। प्रोटॉन बेटा, अरे सर जितनी एटॉमिक नंबर है उतने ही तो प्रोटॉन हो गए। बेटा न्यूट्रॉन, ए माइनस जेड करा लो, कितने आ गए 12,
राइट, ये पहला वाला। सर सेकंड एग्जांपल, भाई ये मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24, सर पे दो पॉजिटिव चार्ज लेके घूम रहा, मतलब ये तो कैटायन ही हुआ। यस सर, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस जितनी पॉजिटिव चार्ज वो ले लो। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेटा, प्लस टू माइनस टू से मतलब नहीं है, दो पॉजिटिव है दो लगा लो, 12 से दो गए 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितनी जितनी उसकी एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने बेटा ए माइनस जेड, ए कितना 24 माइनस 12, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। राइट, एक काम करना बेटा, ये दो एग्जांपल तो मैंने दे दिया, तीसरा एग्जांपल आप मुझे दे दो। ये एल्यूमिनियम के सर पे तीन पॉजिटिव है, एटॉमिक नंबर 13 है और उसकी मास नंबर 27 लेके घूमता है, तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, प्लीज बता दो बेटा। जस्ट आई एम गिविंग, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बता दीजिए। तो बेटा इसका अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, जितनी एटॉमिक नंबर वो माइनस जितनी उसमें सर पे पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, बेटा ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, कितने आते हैं 14, 4 और 3 7 27 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इज इट क्लियर? किसके लिए था बेटा? कैटायन के लिए। सर अगर एनायन के लिए पूछेगा तो क्या करना, चलो मैं ले लो स्क्रीनशॉट ले लो आप। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर अगर वो एनायन के लिए पूछेगा तो क्या करना, देखो कुछ भी नहीं करना, इतना करना जैसे सुधीर सर बताते हैं वैसा फॉलो कीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो एनायन में भी मिल जाएगा। कैसे? सुनो 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 सर, अगर सर उन्होंने पूछा है एनायन के लिए, आप जानते हैं एनायन मतलब क्या होते हैं, जिसके सर पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं भाई, जो उसकी एटॉमिक नंबर होगी प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, जितनी नेगेटिव चार्ज है सब लगा दो और जेड से ऐड करा लो, वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बैठा है, फर्क नहीं पड़ता। न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सर एक एग्जांपल बनाइए भाई, ये कार्बन का 4 माइनस है, दिख रहा बेटा कार्बन के सर पे 4 माइनस है, एटॉमिक नंबर तो 6 है और मास नंबर उसकी 12 है, और मुझसे पूछा गया सर इलेक्ट्रॉन बताइए, तो मैं क्या किया, जो एटॉमिक नंबर थी प्लस कितने जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो ऐड ही करते गया, उसके हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने बेटा, जो एटॉमिक नंबर है, और न्यूट्रॉन कितनी सर, दैट इज ए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये था पहला वाला। दूसरा देखिए सर, दूसरा सेकंड वन, भाई ये नाइट्रोजन है, सर पे तीन नेगेटिव चार्ज लेके चल रहा है, 7 और 14, हमसे पूछा इलेक्ट्रॉन बोलो क्या करना, एटॉमिक नंबर तो लिखना ही है, तो बेटा एनायन हो तो जितनी नेगेटिव उसको ऐड करो, कितनी नेगेटिव 3, 7 प्लस 3 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने बेटा, जो उसकी जेड की वैल्यू है, और न्यूट्रॉन कितनी ए माइनस जेड इक्वल टू 7। एनी डाउट? पक्का? वेरी गुड भाई, मेरे लिए आप इतना काम कर दो ना, ओ के सर पे दो नेगेटिव है, ये 8 और 16 है, मुझसे पूछा गया सर इलेक्ट्रॉन बनाइए, मुझसे पूछा गया प्रोटॉन भी बनाइए और मुझसे पूछा गया न्यूट्रॉन भी बनाइए, प्लीज डू इट बेटा, बता दीजिए क्या आंसर है बेटा। अब देखिए इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखोगे, जो एटॉमिक नंबर है और जितनी नेगेटिव चार्ज है ऐड कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन, जो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर है ना 16 माइनस 8, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इज इट क्लियर? तो देखो बेटा हम लोग हमारे पॉइंट पे आ गए कि हमने सीखा था कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या है, बेटा हमने को यही सीखना है ना कि सर आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या है, तो मैं बता दो। वेरी गुड, अब देखो बेटा आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज मतलब ये ऐसी सीरीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम आ जाए भाई, ऐसी सीरीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ जाए, सेम आ जाए। तो व्हाट इज मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, तो आपने बोलना आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज मतलब सीरीज विच कंटेन, बोलो भाई। यस सर, सीरीज विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर एग्जाम्पल दे सकते हो भाई? क्यों नहीं देंगे, देखो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, सोडियम एटॉमिक नंबर 11,
मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 और अल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। सर इसके सर पे 4 नेगेटिव, इसके सर पे 3 नेगेटिव, इसके सर पे दैट इज 2 नेगेटिव, इसके सर पे अकेला एक नेगेटिव, इसके सर पे अकेला एक पॉजिटिव, फिर यहाँ पर 2 पॉजिटिव, फिर यहाँ पर 3 पॉजिटिव। और मुझसे पूछा गया सर इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, तो मैंने बोला 6, ऊपर में नेगेटिव चार्ज 4 है तो 10 इलेक्ट्रॉन। बेटा यहाँ पर 7 प्लस 3 10 इलेक्ट्रॉन। सर यहाँ पर 8 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन। बेटा यहाँ पर 9 प्लस 1 अरे वही 10 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये प्लस है ना तो ये 11, जितने पॉजिटिव माइनस करो 10 इलेक्ट्रॉन। 12 जितने पॉजिटिव माइनस करो 10 इलेक्ट्रॉन। बेटा 13 माइनस 3 10 इलेक्ट्रॉन। सर ये ऐसी सीरीज है, ऐसी सीरीज है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके सेम है, तो दिस सीरीज कॉल्ड एज ए आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। जब भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज की बात आए और आपको आयनिक साइज पूछा जाए तब किसी को याद मत करो, सुधीर सर का ये ट्रिक याद करो, सारे के सारे आंसर आपके अपने आप बनते जाएंगे। मुन्ने पूछा इस आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में किसकी साइज बड़ी, तो भाई आयनिक साइज को कभी भी एटॉमिक नंबर से देखना है। आयनिक साइज को किससे देख रहे हो बेटा, एटॉमिक नंबर। और ये ट्रिक सर कहाँ अप्लीकेबल है, इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक की सीरीज है और आयनिक साइज पूछा है तो ये मेरा ट्रिक लगा लो, आंसर मिल जाता है। अब मैंने पूछा ये सब में किसकी साइज बड़ी, तो बड़ी साइज मतलब एटॉमिक नंबर कैसा हो, कम हो। किसकी बेटा, कार्बन की है, तो मैं लिखू कार्बन 4- की साइज बड़ी है नाइट्रोजन के 3- से, नाइट्रोजन 3- की साइज बड़ी है ऑक्सीजन 2- से, देन द फ्लोरीन, देन द सोडियम, दिख रहा है ना बेटा, देन द मैग्नीशियम, देन द मैग्नीशियम एंड देन द एल्यूमिनियम, राइट बेटा। ये मैंने लिखा दिया, इससे आपको क्या लग रहा है कि कार्बन 4-, कार्बन का 4- की साइज कैसी है, बड़ी है देन नाइट्राइड, देन ऑक्साइड, देन फ्लोराइड, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। तो बेटा इट इज द साइज, इट इज द ऑर्डर ऑफ द, इट इज द ऑर्डर ऑफ द आयनिक साइज फॉर किसके लिए बेटा, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज जब भी आए आप तो पता लोगे, लगा लोगे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की सीरीज है सर, पक्का, यस सर। लेकिन अब इसकी साइज की अगर ऑर्डर देखना है तो क्या करते हैं आप, सीधा ये लगा लीजिए एटॉमिक नंबर जिसका कम उसकी साइज बड़ी। और मैंने पढ़ाया भी था आपको, जिसके सर पे जितनी नेगेटिव चार्ज उसका साइज उतना बड़ा, तो कार्बन के सर पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतनी बड़ी, जिसके सर पे जितने पॉजिटिव चार्ज उतनी साइज छोटी, तो एल्यूमिनियम की साइज छोटी होगी। आई होप बेटा आपको ये छोटा सा टॉपिक सबको समझ में आया, आया है, ले लो सर स्क्रीनशॉट ले लो इसे।